हे गाइज़, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज़, अभी हो गए हैं सुबह के 9:30 और अद्विक और उसके पापा गए हैं बाहर। अद्विक को लेके थोड़ा बाहर गए हैं वो, क्योंकि उन्हें प्रेस के लिए कपड़े डालने थे, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई कपड़े लेने के लिए नहीं आता है। आयनिंग के लिए खुद जाके कपड़े डालना पड़ता है यहाँ पे, तो इसी वजह से वो आयनिंग के लिए कपड़े डालने गए हैं, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह। ये तो अद्विक को भी साथ में लेके गए हैं। और थोड़ा सा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है आज, क्योंकि ना मतलब बॉडी पेन कर रही है और ज़ुकाम टाइप का भी, एक नाक भी पेन कर रहा है यहाँ का। सुबह सुबह उठी थी मैं, तो थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी और माही को टिफ़िन वगैरह बना के दिया था, तो इसी वजह से सुबह उठना ही पड़ता है। तो ठंडी हवा, थोड़ा बाहर गई थी तो ठंडी हवा लग रही थी, तो इस वजह से मेरा ना नाक थोड़ा सा बहने लगा था एकदम से, मतलब बहने नहीं, दर्द करने लगा था थोड़ा सा। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जुकाम होने वाला है। तो मैंने क्या किया, अभी टैबलेट ली, इनको बोला टैबलेट देने के लिए, टैबलेट ले ली। और बॉडी भी पेन करने लगी थी, बॉडी तो कल रात से ही पेन कर रही है, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए थे जिम नहीं जा रही थी। आपको मैंने बताया नहीं, सॉरी, कुछ किसी ने मुझे पूछा भी था कि जिम नहीं जा रहे हो क्या, अभी भी जिम जाते हो क्या, बट मैंने उनको बताया भी था, बट अभी फिर भी आप लोगों को बता दे रही हूँ कि कुछ दिनों से, जब से मैंने रेगुलर ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से ना मेरा जिम जाना हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ब्लॉगिंग में ही सारा टाइम निकल जा रहा था, तो इसी वजह से जिम जाना ही नहीं हो रहा था। तो फाइनली अभी मैंने डिसाइड किया है कि 1 घंटा जिम जाया करूँगी शाम को, तो इसी वजह से मैं अभी जाती हूँ शाम को जिम, मतलब जाने लगी हूँ 2-3 दिनों से। तो इसी वजह से ना बॉडी पेन कर रही है, काफ़ी दिन हो गया ना, इसी वजह से मतलब अभी आदत छूट गई है। और इसी वजह से अभी एकदम से मैंने वेट उठाना स्टार्ट किया, तो इसी वजह से बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही है, हाथ वगैरह पेन कर रहा है। तो इसीलिए मैंने अभी टैबलेट ली, इनको बोला कि टैबलेट देने के लिए, नहीं तो मेरी इतनी बॉडी पेन कर रही थी। और यहाँ पर आज मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट में वो उखड़ पेंडी, आपके साथ उखड़ पेंडी की रेसिपी शेयर की है मैंने ऑलरेडी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। किसी ब्लॉग में, मुझे ब्लॉग का नाम नहीं याद है, बट किसी ब्लॉग में मैंने एक और पेंडी आपके साथ शेयर की है। और अभी यहाँ पर ना मैंने अभी भी ब्रेकफास्ट किया है, मैंने आज उखड़ पेंडी खाई है। मैंने मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था, थोड़ी सी खाई है, इतनी सी, बट उखड़ पेंडी खाई है। और चाय बनाई थी अदरक वाली, यहाँ पर ही ब्लैंकेट वगैरह लेके मैं यहाँ पर ही बैठी हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ही लेट गई थी मैं। अभी माही जाने के बाद, माही स्कूल जाने के बाद ना थोड़ा सा झाड़ू वगैरह कर लिया और यहाँ पर ही लेट गई थी सोफे पर ही। तो मेरे यहाँ का सोफ़ा भी कभी ऐसा मेसी नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता मेरे यहाँ का सोफ़ा ऐसा मेसी। तो मैंने यहाँ के सारे कुशन्स वगैरह ना पूरे निकाल दिए और यहाँ पर रख दिए, और यहाँ पर पीलो रख दी, और आप देख सकते हो यहाँ पर पीलो रख दी और यहाँ पर ही सो गई थी ऐसे। तो ब्रेकफास्ट भी यहीं पर किया मैंने, अभी ब्लैंकेट वगैरह ले लिया था ऊपर और सो गई थी थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा लेट गई थी। फ्रेश वगैरह सुबह ही हो गई थी मैं, बट अभी अद्विक और उसके पापा बाहर जाने वाले थे, तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि चलो। और हाँ, इन्होंने चाय तो इन्होंने ही बनाई आज, ब्रेकफास्ट मैंने सारा कुछ बना के रख दिया था। एक्चुअली लंच के लिए मैंने रोटी अभी बना के रखी है, सिर्फ सब्ज़ी बनाना बाकी है। तो सब्ज़ी अभी इनके पसंद की होती है, तो इसी वजह से मैं सब्ज़ी बना के नहीं रखती हूँ। एक्चुअली सब्ज़ी क्या होता है कि इनको जो अच्छी लगती है सब्ज़ी वही मैं बनाती हूँ। मैंने आपको कितनी बार बोला भी होगा कि जब इनको कॉल करके पूछना पड़ेगा, इनको कॉल करके पूछना पड़ेगा, मैं वैसे ही करती हूँ, उन्हें कॉल करके पूछती हूँ, क्योंकि मैं वो वाली सब्ज़ी खाती नहीं हूँ, तो इसी वजह से। और उनको रस्से वाली या तरी वाली ऐसी सब्ज़ी पसंद आती है, तो इसी वजह से वो सूखी सब्ज़ी नहीं खाते हैं मेरे यहाँ पे, और मुझे उनको पूछ के ही सब्ज़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ। तो इसी वजह से वो खाते हैं तो उनके लिए बनानी पड़ती है स्पेशली, तो उनको ही पूछ के बनानी पड़ेगी ना, इसी वजह से तो मैं उनको पूछ के ही बनाती हूँ। तो अभी रोटियां बन चुकी है लंच के लिए भी, और सिर्फ वो बनाना बाकी है, सब्ज़ी बनाना बाकी है। हॉटकेस में रख दी है मैंने रोटियां, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया। और चाय इन्होंने बनाई है, एक्चुअली चाय वो बोल रहे थे कि मैं बनाता हूँ अदरक की और तुलसी के पत्ते वगैरह डाल के थोड़ा सा अच्छे से, उन्होंने आज चाय बनाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम टाइप का लग रहा था, इसी वजह से। आपको आवाज़ से पता चल भी रहा होगा कि अरे इतना ज़्यादा पेन कर रहा था ये वाला नाक कि आपको क्या बताओ, इधर ये साइड वाला ही बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। मैं हाथ ही लगा रही थी बार बार उस नाक को। इन्होंने टैबलेट दे दी तो थोड़ा सा अभी आधे घंटे में थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो इसी वजह से मैं आपसे बात तो भी कर रही हूँ। तो अभी गया है अद्विक बाहर, तो अभी एक वीडियो को एडिट भी करना बाकी है क्योंकि मराठी चैनल पर आज एक वीडियो अपलोड कर दिया है सुबह। तो इसी वजह से सुबह थोड़ा सा जल्दी उठी तो वीडियो अपलोड करना था मराठी चैनल पे, इसी वजह से सुबह जल्दी उठी और वीडियो अपलोड किया। उसके बाद फिर अभी इस वाले वीडियो का एडिट नहीं किया था क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और ये वाले कल के वीडियो को एडिट नहीं किया था। तो आज जो वीडियो जाएगा तो वो वीडियो को अभी एडिट करती हूँ क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस देना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया ही है कि अद्विक रहता है तो बैकग्राउंड वॉइस नहीं दे पाती हूँ मैं। तो अभी अद्विक को लेके गया है वो बाहर, अभी मैं एडिट करती हूँ वीडियो को। और हाँ, यहाँ पर ना आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है पता नहीं, बट यहाँ पर पास में ही दुर्गा बैठी है। तो हाँ, मैं नहीं गई कल क्योंकि कल अद्विक की तबीयत ख़राब थी। एक्चुअली अद्विक की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं गई कल उन्होंने बिठाया तब बहुत सारे लोग थे कॉलोनी के वहाँ पे, बट अद्विक सोया था घर पे तो अकेला ही था, इसी वजह से मैं नहीं जा पाई थी। और अद्विक को थोड़ा सा फीवर चढ़ गया था तो मैंने उसे टैबलेट बोल रही हूँ, सिरप दे दिया था और उसको फिर सुला दिया था। तो इसी वजह से उसके पास ही मैं बैठी थी। माही चली गई थी, माही काफ़ी लेट आई कल 11 बजे वहाँ से क्योंकि दुर्गा बिठाई, उन्होंने सारा कुछ डांडिया वांडिया खेला उन्होंने अच्छे से, गरबा वगैरह। तो इसी वजह से माही काफ़ी देर तक वहाँ पर ही थी। तो मैं आपको दिखा दूँगी, आज शायद जाना होगा हमारा तो मैं आपको वहाँ पर जाके दिखा दूँगी कि कैसे कॉलोनी की दुर्गा बिठाई है उन्होंने। फर्स्ट है, मतलब इस साल पहली बार बिठाई है तो इसी वजह से मतलब इस साल क्या किया है इतना पता नहीं है, थोड़ा सा ही आगे है यहाँ से। तो उन्होंने वहाँ पर थोड़ा सा ओपन स्पेस है तो वहाँ पर बिठाई है। तो इस साल क्या क्या किया है मुझे भी पता नहीं है, तो इसीलिए अभी मैं भी जाके देखूँगी। माही बोल रही थी बहुत ही अच्छा किया है इस साल, फर्स्ट ईयर है फिर भी अच्छा किया है उन्होंने बोले, बट देखते हैं अभी क्या क्या किया है। तो और आपको भी दिखा दूँगी मैं, और अभी वीडियो एडिट करती हूँ उसके बाद मैं उसको पब्लिश करने के लिए रख देती हूँ, अपलोडिंग के लिए डाल देती हूँ उसे। उसके बाद मिलती हूँ आपसे क्योंकि अभी कहीं बाहर जाने का सोच, मतलब बाहर जाने का मीन्स आदि को हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे और डीमार्ट जाना होगा तो डीमार्ट भी जाएंगे क्योंकि आपको तो बताया है कि मैंने थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया है। तो इसी वजह से मैंने इनको बोला कि चलो डीमार्ट चलते हैं क्योंकि मेरी कॉफ़ी वगैरह भी ख़त्म हो गई है और कुछ ये भी। तो ये बोल रहे थे कि थोड़ा आज ड्यूटी लेट जाना है क्योंकि कल रात को ये बहुत लेट आए थे ड्यूटी से, तो इसी वजह से ये बोल रहे थे थोड़ा सा लेट जाना है आज। तो मैंने बोला चलो फिर अपने काम कर लेते हैं, घर के जो का पेंडिंग है तो वो कर लेते हैं। तो अभी अद्विक को पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे उसके बाद फिर उधर डीमार्ट जाएंगे शायद, हो सकता है। तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इनकी ड्यूटी तो कभी भी आ सकती है, इसी वजह से तो पहले तो अद्विक को हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी है। तो इसी वजह से अद्विक को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अभी उसको अच्छा लग रहा है फ़िलहाल तो सिरप एंड ऑल से थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, बट फिर भी हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी है, बच्चों को लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो बच्चों के लिए रिस्क लेनी भी नहीं चाहिए एक्चुअली, तो इसी वजह से मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी उसे, उसके बाद फिर बाकी के सारे काम करेंगे। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइज वेट कर रही हूँ मैं ये फेस पैक ड्राई होने का भी, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, और ये सेकेंड चाय है मेरी आज दिन भर से मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है तो ये सेकंड चाय है। इन्होंने बोला अभी चाय बनाने के लिए, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो अपने लिए भी बना लेती हूँ। अदरक की चाय बनाई है और ज़ुकाम की वजह से अभी मुझे पीने का मन कर रहा है तो इसी वजह से मैंने ये बना ली है। बहुत ज़्यादा अदरक डाला है इसमें। और हाँ, ये फेस पैक इसीलिए अप्लाई किया है, ये है मास्टर एंड टिप्स के रिव्यू के लिए डेमो है और मैं रिव्यू कर रही हूँ एवरयूथ के टैन रिमूवल फेस पैक का, चॉकलेट फेस पैक का। तो इसी वजह से ये डेमो के लिए फेस पैक लगाया है और अभी इसके ड्राई होने का वेट कर रही हूँ। तो इसी वजह से मैं अभी यहाँ पर अपलोडिंग के लिए डालने आई थी वीडियो, तो चाय भी लेके आई यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो आपसे तब तक बात कर लेती हूँ कि क्या हो रहा है, और बिहाइंड द सीन भी आपको दिखा देती हूँ कि माय स्टाइल एंड टिप्स के वीडियोज़ के पीछे क्या होता है। तो इस तरह से होता है, आप देख लीजिए। अभी तो डेमो करने के बाद मतलब ड्राई होने का वेट करने के लिए ऐसे ही इधर उधर कुछ काम करती हूँ। मतलब क्या हुआ है कि आज जाना है बाहर, बट इन्होंने आज क्या किया, वो थोड़ा सा गद्दा वद्दा थोड़ा सा इसकी वजह से, बारिश की वजह से ना, और जो ये था मैट्रेस था इसका बेडरूम का, तो वो हमने बाहर सुखाने के लिए डाला है क्योंकि आज बहुत अच्छे से धूप है, तो इसी वजह से हमने मैट्रेस भी सुखाने के लिए डाला है। और जो भी ये थे क्या ब्लैंकेट्स एंड वो क्या बोलते हैं गद्दे, वो भी सारे सुखाने के लिए डाला है क्योंकि 4-5 दिनों से ऐसी बारिश हो रही थी ना कंटिन्यूसली, तो इसी वजह से थोड़ा सा स्मेल ना आने के लिए ऐसे हम लोग करते रहते हैं। जैसे ही बारिश के बाद धूप आती है ना तो हम लोग सारी चीज़ें बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं। तो जैसे कि हमारे घर में दिवाली आती है बारिश के बाद, ऐसे ही होता है। तो दिवाली तो आने वाली है एक्चुअली, तो उसके लिए ऐसे समझो कि ये क्लीनिंग ही है, तो वैसे भी हम लोग ऐसे करते ही रहते हैं। तो चलिए, ठंडी हो रही है मेरी चाय और बिल्कुल मुझे ठंडी चाय पसंद नहीं है, मुझे ऐसी चाय पसंद है एकदम गर्म वाली। तो मुझे थोड़ी सी भी ठंडी हो जाती है ना चाय तो अच्छा नहीं लगता है पीने के लिए, तो अभी मैं पी लेती हूँ पहले चाय, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तब तक ये फेस पैक रिव्यू भी हो जाएगा। और हाँ, आप ये रिव्यू ज़रूर देखना, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मास्टर्स एंड टिप्स पे ये व्लॉग के पहले ही ये रिव्यू आ जाएगा, तो इसी वजह से आप वो ज़रूर देखना। हे गाइस, काफ़ी देर हो गई, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई क्योंकि आज बहुत सारे काम किए मैंने। मतलब आपको क्या बताऊँ, हम दोनों ने मिलके आज इनकी जब मतलब इनको जब लेट जाना होता है ना तो बहुत सारे काम निकालते हैं, घर पर रहते हैं तो मतलब ये ऐसे ही करते हैं हमेशा। और आज ना सारे गद्दे वद्दे आपको तो बताया है मैंने कि पूरा सुख। और फिर मैंने क्या किया, सोफे का अभी निकाला ही है तो बहुत कुछ ये निकला था, तो मैंने वॉश भी कर लिया सारा कुछ। मतलब थोड़ा सा बेडशीट वगैरह थी तो वॉश कर ली, अब मेरे बेड की बेडशीट थी वो भी वॉश कर ली थी, अभी ये सोफे की जो कवर है वो भी वॉश कर लिए। सारा कुछ वॉश करने में, सुखाने में और वो लाने में, फोल्ड करने में इतना ज़्यादा टाइम चला गया, तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे शूट भी करना है और इसी वजह से फिर आपसे बात नहीं कर पाई। और अभी रेडी हो गई हूँ, मैंने सोचा चलो अभी थ्रेडिंग के लिए जाते हैं, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ जाऊँ बट हो ही नहीं रहा है, तो इसी वजह से मैं अभी चली जाती हूँ थ्रेडिंग करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप भी देख सकते हो, अगर दिन में देखते हो तो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिखती है, तो इसी वजह से बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे भी, बट मैं सोच रही हूँ चलो अभी। और बहुत ज़्यादा थीन है मेरी आईब्रोज तो इतना पता नहीं चलता है, बट ज़्यादा अगर ब्रॉड होती तो पता चलता, तो अभी काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ तो हो ही नहीं पा रहा है, तो आज चले जाते हैं। तो इसी वजह से अभी माही भी रेडी हो गई, यहाँ पर देख सकते हो तो माही रेडी हो गई है, माही को भी कब से रेडी हुई है माही, बट ना मैं इतने ज़्यादा काम करके ऐसे मतलब थकावट भी आ गई थी और ये भी हो रहा था, मतलब फ्रेश भी नहीं लग रहा था बिल्कुल, तो मैंने सोचा चलो फेस वॉश करने से अच्छा है नहा ही लेती हूँ डायरेक्टली। तो मैंने नहाया, उसके बाद फिर अभी रेडी हुई हूँ और फिर अभी चलते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से जाके आ जाती हूँ मैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइज़, मैं यहाँ पर पार्लर में आ गई हूँ और आप देख सकते हो मैं जो पार्लर में जाती हूँ हमेशा, तो वो पार्लर में गई तो वो पार्लर बंद था, इसी वजह से मुझे दूसरे पार्लर में जाना पड़ा। मतलब जाना नहीं पड़ा एक्चुअली, मैं वापस आ रही थी घर पे तो माही को एक पार्लर दिख गया, तो बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था बट अंदर गए तो ऐसा दिख रहा था, बट हम लोग अंदर चले गए थे तो वापस आना भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो अभी पार्लर ओपन किया है तो थ्रेडिंग वगैरह तो आता ही होगा क्योंकि थ्रेडिंग के जो कस्टमर है वो डेली रहते हैं पार्लर वालों के, तो इसी वजह से मैंने सोचा थ्रेडिंग तो इनको आता ही होगा, तो इसी वजह से मैंने इनके पास थ्रेडिंग कर लिया। बट मुझे अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा था, ये मेरी ये है जो आईब्रोज है वो बिगाड़ ना दे, इसी वजह से थोड़ा सा मैं डर भी रही थी, बट उसने फिर भी किया ही है कांड। और आप देख सकते हो ये उसने मतलब मैंने उसको ब्रॉड रखने के लिए बोला था लेकिन उसने बहुत ज़्यादा थीन कर दी मेरी आईब्रोज। और मैं यहाँ पर उसके बाद आई थी, जो मेरे कॉलोनी में दुर्गा बिठाई है वहाँ पर आई थी, और इस तरह से हमारे यहाँ पर दुर्गा बिठाई है और ये पंडाल बनाया है, ये पंडाल इसके लिए है क्या बोलते तो अपना गरबा खेलने के लिए है, डांडिया गरबा यहाँ पर खेलते हैं। और माही यहाँ पर मेरा वेट कर रही थी। सो गाइज, मैं आ गई हूँ पार्लर से और आप देख सकते हो मेरे आईब्रोज कितनी थीन लग रही है, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्या करूँ। और ना मतलब जो पार्लर में मैं जाती हूँ हमेशा उस पार्लर में गई नहीं मैं, मतलब उस पार्लर में हम लोग गए बट वो पार्लर बंद था, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो अब बाहर आ ही गया है तो दूसरे पार्लर में जाते हैं। तो एक पार्लर हमें रास्ते में दिख गया तो मैं उसी पार्लर में चली गई। आईब्रोज का सवाल है तो मैंने इतने दिनों से बढ़ाई थी तो मैंने जाना नहीं चाहिए था, अभी मुझे पछतावा आ रहा है कि फालतू में गई मैं। और देखो आईब्रोज कितनी थीन लग रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई उसने जो आईब्रोज की। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, तो हम लोग उधर भी गए थे मंदिर, मतलब देवी के दर्शन करने। मैंने आपको सुबह बताया था ना कि जो कॉलोनी में देवी उन्होंने बिठाई है, तो मतलब कॉलोनी वालों ने, तो वहाँ पर हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। अभी तो बहुत ही अच्छे से, मतलब पहला साल है बट बहुत ही अच्छे से सब लोगों ने ये किया और डेकोरेशन भी अच्छा किया उन्होंने। और वहाँ पर मतलब वो पंडाल वगैरह बनाया है जो मैंने आपको दिखाया गरबा खेलने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसी वजह से हम लोग, मैं तो कल जा नहीं पाई अद्विक की वजह से, क्योंकि अद्विक सो गया था और उसके पास कोई नहीं था रुकने के लिए, तो इसी वजह से माही को भेज दिया था। तो आज सब लोग पूछ रहे थे कि आपके घर से कोई नहीं आया था, मतलब ये तो ड्यूटी चले गए थे, तो इसी वजह से फिर मैंने आप भी उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तो बोले कि ठीक है। तो गरबा तो खेलना इतना नहीं आता है मुझे, बट थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ। तो अभी जाऊंगी कभी गरबा भी खेलने के लिए, अगर जाऊंगी तो मैं आपको दिखाई दूंगी। और हाँ, वहाँ पर भी एक बड़ा सा वो होता है, मतलब हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा गरबा खेला जाता है, तो वहाँ पर भी कभी जाने का सोच रही हूँ इस साल, क्योंकि पहले जाती थी मैं अद्विक होने से पहले, बट अभी अद्विक जब से हुआ है ना तभी, तब से मुझे जाने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब इसी वजह से अभी इस साल सोच रही हूँ जाने का, कभी एक आध दिन चली जाऊँगी 9 दिनों में से। तो बस इतना ही था, और चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। तो आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप में से कोई मराठी मुझे देख रहा है तो आप मेरे मराठी ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं 2 दिन के बाद ब्लॉग्स डालती हूँ। आपको अगर पसंद आए तो आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई मीन मेरे दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।